एंड एक तो नहा भी रहा है, वो देखो एक फोटो के लिए, एक वीडियो के लिए ये लोग ऐसा करते हैं। बोला मैंने नहीं माना, मैं क्या चार पाई पूरा नहीं माना यार, गंगा पार की हुई यार इसने यार। नहीं मैं इनकी उस पे नहीं बोल रहा कि हमारा चार पाई था ना, मैं बोल रहा हूँ जैसे अभी बाहर का कोई ऐसे छोटे छोटे बच्चे आए। अब मुझे क्या पता आपको आती है पूरी गोरी। बहुत बकचोदी हुई हमारे साथ भाई, बहुत गलत हुआ हमारे साथ। ये है भाई नंगड़ पिकनिक, जैसा कि आपको मैं बोल रहा था ना। देख पा रहे होगे गंडे हमारे अभी थोड़े बुझने नहीं आ रहे हैं। बिस्मिल्लाह, अपने बच्चों को ये कहानियां सुनाओगे कि हम यहाँ पे जाया करते थे ऐसे। अभी हम रेडी हो गए खाने के लिए, हम आए थे 1 बजे, अभी 5 बज चुके हैं भाई, शाम हो गई है यार। अभी मैं दिखाऊं तुम्हें, दिखाऊं। तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज योर आमिर शेख। एंड कैसे हो आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग एकदम से बढ़िया होंगे। पता है भाई लास्ट कुछ दिनों से मैं व्लॉग नहीं बना पाया था, पिछले 2-3 दिनों में थोड़ी वापस से मेरे साथ गलत चीजें होना स्टार्ट हो गया था। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि 7 नागों का पानी में ढूंढ रहा था, जो कि मुझे पीर साहब ने बोला हुआ था। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने वो जो 7 नागों का पानी और सरिया लिया एंड पीर साहब के पास वापस गया, तो पीर साहब ने मुझे सब कुछ, वो देखते हैं उस पानी में ही सरिया भी डालते हैं, तो वहाँ पे उनको दिखता है सब कुछ आपके साथ क्या गलत चीजें हो रही हैं। एंड उन्होंने मुझे पूरा डिटेल में बताया। तो आप लोगों को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो भाई काला जादू टाइप है मेरे पे। एंड सैड पार्ट क्या है भाई कि वो कोई मर्द नहीं, वो कोई औरत है भाई। आई डोंट नो भाई कौन है वो। किसी औरत ने 5-6 महीने पहले मेरे पे काला जादू वो जो करते हैं वो, ठीक है, वो किया था। उसके बाद पीर साहब ने और भी बहुत सारी बातें बोली जो मेरे को पता भी नहीं थी, जिनसे मैं भाई कोसों दूर था। वो सारी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता। और उन्होंने फिर बोला कि अगर तू वीडियो डाल भी रहा है तो इतना सब मत बोल वीडियो में। उसके बाद मैंने उनसे ये भी पूछा कि अब इसका इलाज वगैरह कब करना है, तो उन्होंने बोला कि अब मुझे आपके घर आना है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वाली वीडियोस में बोल भी रखा था। होप सो कि आज या कल वो आएंगे, वो उसको निकालेंगे। बाकी मेरी आंखें थोड़ी सूजी हुई है, देख पा रहे होगे, क्योंकि अब नींद वापस से चली गई है भाई। अभी मैं कहां पे हूं तुम्हें मैं जगह दिखाता हूं भाई, ये देखो वही अपनी जमींदारी वाली जगह। देखो 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 आसमान देखो। तो यहाँ पे आज हम एक स्पेशल कारण से आए हैं भाई। आज हम थोड़ी एक नंगड़ पिकनिक वापस से करने आए हैं, छोटी सी पिकनिक जिसे मैं नंगड़ पिकनिक कहता हूँ। पर ज्यादातर हम लोग दरिया किनारे ही करते हैं ये सब, वहाँ पे पानी भी इजिली हमें अवेलेबल मिलता है। पीर साहब ने हमें दरिया किनारे जाने से मना करा है, तो हम इसलिए आज इस दरबड़ में ही करने वाले हैं पिकनिक। तो आगे पता नहीं क्या होगा भाई, एक नंगड़ पिकनिक खा के ही जाएंगे अगर जाएंगे तो। मजाक कर रहा हूँ यार, वैसे लाइफ में बहुत सारी बकचोदी चल रही है और बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन है भाई, तो सोचा थोड़ा जाएंगे, थोड़ा मूड फ्रेश करके आएंगे। एंड बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा ये नंगड़ पिकनिक क्या है भाई। ये ऐसी पिकनिक होती है जहाँ पे आपके पास सारी चीजें थोड़ी थोड़ी हो, मतलब थोड़ा सा नमक उठा लिया, थोड़ा सा पिपली उठा ली, मिर्ची उठा ली एंड थोड़ा सा आपने चिकन वगैरह उठा लिया, तो बस नंगड़ पिकनिक बन जाती है भाई, ठीक है। सो लेट्स गो। अभी पहले हमें चूल्हा बनाना है, हमें जल्दी कर यार, भूख लगी है भाई, भूख लगी है बहुत सारी है। अभी अभी थोड़ा टाइम पहले हम दोनों की लड़ाई हो गई थी, जो कौवे होते हैं ना कौवे, हम लगे थे आपस में बातें करने, कौवे ने इस भाई के 2 गिरदे ले लिए भाई, मुझे चढ़ गई मेरी तेरी जंगलात वाले नहीं आने चाहिए भाई, लिल्ली लग जाएगी तेरी झाड़ दी जवानी मेरा पारा गोरी। वाह क्या मुस्कुराहट है, काले तू कौवे। काले तू कौवे, काले 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 जवानी मेरा पारा। जलने वाली लकड़ी है भाई ये, वो रिजेक्ट लकड़ी नहीं है। तो अगर आप ऐसी जगह पे कभी फंसो तो देखना ये वीडियो पूरी, देखना फिर कैसे आपको सरवाइव करना है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आग कुछ जल गई मेरे भाई। भाई देख रहे हो आप कलाकारी, देख रहे हो ना बहुत पहले से देख रहा हूँ मैं आपको। तो गाइस अगर आप फंसो ऐसी जगह पे कहीं पे तो उधर ही रहना भाई। आपसे नहीं होगा, जो हमने स्ट्रगल किया आपसे नहीं होगा। ट्राई जो हमने ये लाई, ये महात्मा गांधी साहब ने 1947 की आजादी की जंग में इस्तेमाल की थी। जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, आग ज्यादा जल ना, तूने डाली है लकड़ियों पे ये। लकड़ी पे डाली है तो ये ले। हमें जरा वहीं पे मसला आ रहा है। सगवानागार सब
या ब्रो या ये है भाई नंगड़ पिकनिक। जैसा कि आपको मैं बोल रहा था, नंगड़ पिकनिक हमारी ऐसी होती है, कुछ ऐसे हो आप। नार सारा दस्त गया आमिर, डाल उसको तेल। कहां से दस्ती है? क्राई दस्ती है और क्या होता है इसको? क्यों क्या कहां से दस्ती? कहां से दस्ती है? मतलब बेरित गंड है। अभी इनको धोना भी पड़ेगा भाई। बहुत बकचोदी हुई हमारे साथ भाई, बहुत गलत हुआ हमारे साथ। आधे से ज्यादा तेल ही गिर गया। मुझे लगता है हमने फाके मरना है। बाकी आज रात को इंशाल्लाह हम काला जादू खत्म करेंगे भाई। मुझे लगता है ये सब कुछ काला जादू की वजह से हो रहा है भाई। हमारे गिरदे ले लिए काऊ ने, ये जो होते हैं काले काले कौवे। काले तू कौवे, काले कौवे को पकड़ के आज काला जादू स्प्रे करूंगा भाई। अपना जो काला जादू है वो इसी पे शिफ्ट करूंगा। इसने हमारे दो गिरदे ले लिए, मेरे नहीं इसके लिए, ये जो भाई वीडियो बना रहा है। पर लिए तो लिए ना, काले तू कौवे। मतलब बर्थ है ये तीर गाइस, जगह ने ना पहले प्यारी। इनको लगेगी आग, देख अब लगी ना। तू लगेगी आग भाई, पता क्या चाहिए अनु भाई, मां कसम तुझे पता है ये कितनी जल्दी होंगे अब फ्राई। काले तू कौवे 1947 की जो अपनी ये है ना, क्या बोलते हैं इसको, कढ़ाई। देख पा रहे हो गंडे हमारे अभी थोड़े बुझन नहीं आ रहे हैं, मतलब पक नहीं रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बर्फ पड़ने वाली है। लेट्स सी भाई, लेट्स सी। हम पे अटैक नहीं होना चाहिए, काले कौवे अटैक करते हैं हम पे। बिस्मिल्लाह, भाई देख लेना कुछ। मेरे साथ बंदे ही रिजेक्ट है ना यार, बंदे ही कुछ रिजेक्ट हैं। एक बार अगर मैं इन सब चोंचलों में से बाहर निकल गया, ये काला जादू जो भी होता है, तो मैंने सोचा कि मैं कहीं दूर जाऊंगा 4-5 दिन के लिए। दूर जाओगे तो वहाँ पे एक ज़ियारत है, ठीक है, वहाँ पे मैंने सोचा है जाने का। इंशाल्लाह जिंदगी रहनी चाहिए भाई, एंड ये सब चोंचले खत्म हो जाने चाहिए। पर वाले से भाई मांगूंगा कि हमारे गुनाह माफ करो, हम बहुत गुनाहगार हैं। ये नंगड़ पिकनिक है, आप लोगों को कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा ये, पर हमें अच्छा लगता है। आप लोग भी ऐसा एक्सपीरियंस जिंदगी में किया करो, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है कब स्विच ऑफ हो जाए। जब आप बुड्ढे हो जाओगे तो अपने बच्चों को ये कहानियां सुनाओगे कि हम यहाँ पे जाया करते थे ऐसे। क्योंकि आज जो माहौल यहाँ पे है, जैसा आप लोगों को दिख रहा है, बिल्कुल मतलब देखो सर दिखाओ, देखो आप आज क्या है, सुनसान है, मतलब उतना वो शोर शराबा नहीं है। पर आने वाले वक्त में यहाँ पे बहुत सारे होटल होंगे, तो फिर वो मजा नहीं आएगा, फील नहीं आएगा। अभी हमें नीचे से आवाजें आ रही है, पागल हो गयो। ये देखो भाई, एंड एक तो नहा भी रहा है, वो देखो, वो देखो, वो देखो क्या कर रहा है। तो भैया क्या कर रहे यार, कर क्या रहे हैं यार, मतलब डेंजर बोर्ड लगा हुआ है ऊपर, फिर भी वो देख क्या कर रहा है, क्या कर रहे हो देख, वो देख क्या कर रहे हो देख। एक फोटो के लिए, एक वीडियो के लिए ये लोग ऐसा करते हैं यार, बोल रहा है एक फोटो। अरे वो देखो, देखो क्या क्या, ज़ूम कर। क्या बोलना पड़ेगा यार, जो बंदे ने नहाया ना, हाँ। वो इससे उसने नहाया, उसको है हाथ कबरास के अंदर तक गया हुआ है। कहना बाद में भाई, कुछ नहीं होगा। बोला मैंने नहीं माना अगले, मैं क्या अपने 4 पाई पूरा नहीं मानूंगा। लोग समझते नहीं है यार, चाह रहे हैं सिर्फ इस बंदे को स्विमिंग आती है, आपको नहीं आती, हमें तीनों को नहीं, वही तो मसला होता है। अगर ये बाय चांस हम क्या करेंगे, वही तो बोल रहा हूं, हम भी जाएंगे साथ में। ऐसा बंदा होना चाहिए, बंदा साथ में जिसको आए यार। गंगा पार की हुई यार इसने यार, नहीं मैं इनकी उस पे नहीं बोल रहा कि अब इनको आती है यार, मतलब हमारा चांस है ना, तभी तो यही गया ना। अब आपकी जगह कोई और भी होता जिसको नहीं आता होगा, बेचारे होते हैं ना बाहर वालों को पता नहीं होता। हाँ जी यार, उस लड़के को आती है जो डूबा ना, वही तो भैया आपको वीडियो देखी आपने, वो बिल्कुल आया, उसके बाद ऊपर भी आया। मैं बोल रहा हूँ जैसे अभी बाहर का कोई ऐसे छोटे छोटे बच्चे, अब मुझे क्या पता आपको आती है पूरी। हमारा फर्ज उनको बनता है ना बोलना कि भाई मत करो यार, है ना। तुझे आगे चलो, अभी हमें कुछ भाई मिले थे जो कि परीडल पे नहाने गए थे। यहाँ से थोड़ी सी दूरी, यहाँ से आप नीचे जाओगे तो परीडल आपको मिलेगा। जब मैंने थोड़ी आवाजें सुनी कि वहाँ परीडल पे कोई गया हुआ है, तो मेरे को रहा नहीं गया, मैं वहाँ पे गया। मैंने उनको ऊपर से थोड़ा इशारे दिखाए कि भाई यहाँ मत करो, ये डेंजर है, ठीक है, बुलाया नीचे से, एंड ऊपर हमारी बात हुई। मैंने उनको बोला कि भाई ये थोड़ा डेंजर है, तो उन्होंने भी बड़े हम्बली बोला कि, उसमें से एक भाई ने बोला मुझे प्रॉपर स्विमिंग आती है, बाकी 3 भाइयों को नहीं आती है। उस भाई ने बोला कि मैं गंगा भी क्रॉस कर चुका हूँ, एंड मैं कबलास पे
भी नहा चुका हूँ, पर जब बात आती है नेगेटिव शक्तियों की, जिन भूतों की, तो वहाँ पे सब कुछ आपका धरा का धरा रह जाता है। पर आप लोगों को पता है आजकल ऐसा जमाना है कि आप लोग अगर किसी को कुछ बोलते हो तो मतलब वहाँ से ऐसा रिस्पॉन्स आता है कि इट्स माई लाइफ एंड आप कौन होते हो भाई बोलने वाले। पर इन बंदों ने वैसा नहीं किया, इन्होंने समझी बात, इन्होंने बोला भाई हमें आती थी एंड हम थोड़ा देखने गए थे एंड हमारा भी फर्ज बनता था कि हम इनको बोलें। पेड़ खोल दिया भाई, अमीर उधर आग लग गई, उधर चल जल्दी। कुछ मजेदार है पानी मेरा पारा गोरी। जिनसे आज लड़ाई है, कसरत क्यों कर रहा हूँ, ये ट्राइसेप क्यों दिखा रहा हूँ, या जिनसे लड़ाई करनी है शाम को हमें, लंच प्लस डिनर, इसको जो भी आप समझ सको, अभी रेडी होने वाला है। नंगड़ पिकनिक का ये जो मसला था ओके हो गया, बाकी अभी बहुत सारी ठंड है भाई, आप लोग देख पा रहे होंगे भाई। अभी हम रेडी हो गए खाने के लिए, थोड़ा मैं टेस्ट करता हूँ। हम आए थे 1 बजे, अभी 5 बज चुके हैं भाई, अभी बिस्मिल्लाह करने वाले हम लोग कराई में ही। बाकी मेरी हंसी पे मत जाना भाई, फटी पड़ी है, डिप्रेशन है। फाइनली अभी अपना जो लंच प्लस डिनर था वो हो चुका है भाई, शाम हो गई है यार, एंड अभी मैं दिखाऊं तुम्हें, ये देखो भाई लोग क्या आग अभी जली हुई है, और आप लोग जगह भी देखो भाई, ये देखो, एंड अभी शाम हो रखी है तो कोई भी नहीं है यहाँ आस पास, ये देखो बिल्कुल सुनसान हो रखा है, एंड वो काले कौवे भी चले गए हैं अभी, एंड आसमान कुछ रेड रेड सा हो रखा है, ये देखो बिल्कुल एक नंबर भाई। बहुत सारी शाम हो रखी है एंड अभी यहाँ पे रहना ठीक नहीं है। बाकी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा जब काला जादू वगैरह होता है तो बंदे का बहुत मसला खराब होता है, ऐसा नहीं होता भाई, बहुत सारे बंदों को ज्यादा असर करती है ये चीज, पर जिन बंदों की राश वो जिसकी तगड़ी होती है तो उसको थोड़ा उतना भी असर नहीं करती है। तो अभी बाय बाय करते हैं इस जगह को, आपको मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूंगा, आपको लगेगा कि सब्सक्राइब करना चाहिए तो कर देना, बाकी मैं आपको कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा। सो लव यू सो मच, सो जाओ अब, आराम करो, मुझे पता है आप लोग ये रात को देख रहे होगे क्योंकि मैं थोड़ा लेट अपलोड करता हूँ वीडियो, क्योंकि मेरे गांव में थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है एंड वहाँ पे वीडियो अपलोड होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो इंशाल्लाह मैं आपको नए व्लॉग में मिलूंगा एंड तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खाते पीते रहो एंड दुआओं में याद रखना। ओके बाय, गुड नाइट।